मुंबई इस वक्त कोरोना महामारी का सामना कर रहा है और हर रोज यहां हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई के लिए परेशान करने वाली एक और खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आर्थिक राजधानी में घरेलू उपयोग और पीने के लिए मात्र 42 दिन का ही पानी बचा हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई को जल आपूर्ति करने वाली 7 झीलों व बांधों में महज 42 दिन का ही पानी बचा हुआ है। वहीं बीएमसी ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बारिश होते ही पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई शहर में यदि देखा जाए तो कुल 420 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी की मांग है, लेकिन इसके मुकाबले बीएमसी प्रतिदिन मात्र 375 करोड़ लीटर पानी की ही आपूर्ति प्रतिदिन कर पाती है। वर्तमान जल स्टॉक कुल पानी के स्टॉक का केवल 10.68% है। रविवार तक सभी 7 झीलों में उपयोग करने लायक जल भंडार 1.54 लाख लीटर है, जबकि इन झीलों में कुल भंडारण क्षमता 14.47 लाख लीटर है। बता दें कि पिछले साल शहर के 7 झीलों ऊपरी बैतरणा, मध्य बैतरणा, मोदक सागर, तानसा, भटसा, बिहार और तुलसी में सामूहिक रूप से इस माह के दौरान 82,829 लीटर पानी, जो करीब 5.72% था, लेकिन इन नदियों में इस साल का स्टॉक 13.9% तक कम है। ये स्थिति इससे पहले भी 2018 में बन चुकी है। तब नवंबर 2018 में बीएमसी ने पूरे मुंबई में 10% पानी की कटौती की थी। हालांकि इस साल बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है कि अभी तक पानी की कटौती पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और ये संकेत दिया गया है कि इसकी संभावना नहीं है। वहीं बीएमसी हाइड्रोलिक विभाग के एक इंजीनियर ने मीडिया को बताया कि लॉकडाउन के कारण मुंबई में बड़े पैमाने पर कल कारखाने बंद हैं, कंपनियों, कार्यालयों और होटलों में गतिविधियां ठप हैं। इससे मुंबई में पानी के उपयोग में करीब 15% की कमी आई है। मुंबई में अप्रैल के महीने में स्विमिंग पूल व कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनियों ने पानी की आपूर्ति ज्यादा करनी पड़ी थी, जो इस बार बंद है। इससे भी पानी की बचत हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हाइड्रोलिक विभाग ने पानी बचाए रखने और व्यवस्थित आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। अधिकारी ने बताया कि हाइड्रोलिक विभाग के कर्मचारी पानी की आपूर्ति और खर्च पर लगातार नजर रखे हैं। प्रतिदिन पानी की आपूर्ति और बजट की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।